गुड मॉर्निंग सुप्रभात, लेक व्यू, मॉर्निंग व्यू। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। कहाँ जा रहे हो? रघुनाथ जी महाराज की जय हो। आज तो भाई हम विलेज वॉक जा रहे हैं। भ्रमण कई पे सालों पहले यहाँ देखा था कोई एक विदेशी का, इसलिए आजकल उसमें बोर्ड तो लगा रखा है कोई नहीं जाए जी। पर मेरे साथ तो लोकल गाड़ी गाइड है मोती राम जी, जी मेरे छोटे जय भाई। चलो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय रघुनाथ जी की। ये है रघुनाथ, श्री राम कुंड सरोवर रघुनाथ जी भगवान की जय हो। रघुनाथ जी की गौशाला है, गाय नीचे शिफ्ट हो गई है आकरा बटा। अच्छा, ये प्राकृतिक गोद में बहुत पुरानी आवराज की लीला न्यारी। सुबह सुबह लेक व्यू, सामने माँ अर्बुदा और क्या कहना चाहेंगे आप? अरे जय भोलेनाथ आबू राज। वो कह रहे भारत में सबसे अच्छा राज तो दो ही है, आबू राज या फिर कैलाश राज। भगवान भोले की नगरी जैसी कैलाश में वैसी की वैसी आबू में है। आबू राज के लिए भी पुरानी चीजें देखो आप, आपकी तबीयत यूँ खुश हो जाती है। सारी देवी देवता यहाँ है और सारे अच्छे से अच्छी जड़ी बूटी यहाँ है, सिर्फ जानने वाले चाहिए। और इसका सुप्रभात, मॉर्निंग वॉक। यस, आबुराज की गाना भी है। पहाड़ों में वो वाला लगाएंगे। प्रभात वेला का कुछ अलग ही दृश्य। सेहतमंद लोगों के लिए ये प्रभात कुछ अलग ही दृश्य। आनंद लिया, जय हो। अबे एक बार इधर देख लो। हाँ, जय हो। मॉर्निंग व्यू कॉल। और ये वैली ब्लॉक से लेक व्यू, बाबा टेकरी। और ये वैली ब्लॉक का दृश्य। अरियो बम 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 बम। इतना तो बहुत है, कम से कम किसी के सिर में तो नहीं लगेगी। यस, और ये नीचे से जो व्यू दिख रहा है, भैरव तारक धाम, देवांगना और कनेर कुंड आ गए भैया, कनेर कुंड आ गए। सुप्रभात, मॉर्निंग व्यू। हाँ तो मौसम बदल गया, एक अलग ही है। तारा जुड़िए हमारी फकीरी मौज में जी, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फकीरी मौज जय हो। अभी हम कमंडल कुंड, कनेर कुंड की ओर कमंडल दर्शन करेंगे अभी आपको। आप कमंडल कुंड चलते हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय आबुराज, जय आबुराज। क्या वर्णन इसका? आबू में तो हर जगह गुफाएं गुफाएं हैं, पर इसका कुछ अलग ही। भाई लास्ट में हम तो इसी गुफा में तपस्या करेंगे। बिल्कुल, और साधु संत तो बच्चे कम हैं और गुफाएं बच्ची ज्यादा है, ज्यादा है। भाई इस युग में वो कहें कलयुग में कोई सतयुग जैसा काम करे तब ऐसी जगह आनंद से भजन कर पाए, कर पाए। भगवान से दुआ करते अपने कोई मौका मिले ऐसे। बाजू फिर देखो यहाँ भालू रख के गया, भालू बिल्कुल भालू का ही घर है, निशान पड़े जी, भालू का ही घर है जी। ये बहुत सुंदर है। यस, तसल्ली से धोनी कापो जी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो कुदरत का दृश्य, कुदरत की लीला। सर्दी गर्मी बरसात, गर्मी सर्दी कुछ भी लोग वहाँ भी यहाँ तो हर जगह तपस्या स्थल है, जगह जगह पत्थर पत्थर में शिव है, पत्थर पत्थर में बोला है, पत्थर पत्थर में। ये आबू राज, ये आबू का उत्तराखंड ही है एक तरह का।
जय हो जय हो भोलेनाथ की। बोले अब जय उतरते भाई हो भोलेनाथ, क्या से भोलेनाथ। आपके हम यहाँ कनेरकंठ के दर्शन हो गए। ये तुंगनाथ वो अपने क्या बोलते हैं, तिलकेश्वर। सेम तिलकेश्वर जैसे तिलकेश्वर महादेव जाना बाकी है भाई, तिलकेश्वर। अब देखो भगवान सब समय देंगे। अब वो देखो जहाँ देखे वहाँ जड़ी बूटी है, जड़ी बूटी तो जानते नहीं है, बाकी देखो सब चीजें देखो। और देखो क्या नेचुरल हर चीज काम की है, हर जगह काम की है, हर पेड़ पौधे में हर बूटी काम की है। और ये भक्तों ने भी अच्छा लगे। पहले तो हम ऐसे ही आते थे तो कई बार स्लिप हो जाते थे, बरसात के दिनों में तकलीफ पड़ती है चढ़ने में। नहीं ये किसी भक्त ने अच्छा काम किया, बहुत बड़ी असुविधा करी है जी। क्या है हर चीज काम की है, हर चीज काम के। वो बहुत पुराने टाइम जब यहाँ पानी था, यहाँ साधु संत भी थे, देखो कई सालों ये सब साधु साधु। हाँ उस जमाने की ईंटें हैं, अब लोग ये मानते नहीं है, जहाँ पत्थर देखते नई दुनिया। दुनिया हमेशा नए मंदिर की खोज में और नया दिखाने के चक्कर में। बाकी प्राकृतिक जो जितनी भी स्थान है ना, बहुत प्राचीन स्थान भगवान और बुजुर्गो ने जहाँ जहाँ स्थापित किए वो अपने आप में एक जोरदार था। अब क्या हो गया, इन्होंने बना लिया बेहू सके, सेवा होती नहीं है वैसा आना चाहिए। तो दुनिया क्या पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार कम हो रहा है, नए मंदिर रोज बना रहे जी। और अब तो क्या है कि साधु संत भी कम है, गृहस्थी लोगों ने ज्यादा इसको अपना धंधा बना दिया। अप्रितम व्यू यहाँ भी आ रहे, वो बहुत जोरदार मंदिर है सोमनाथ। नहीं देवांगना नहीं यार जी, सरोज बेरवा जी वो एक प्रभु की अप्रितम लीला, माया निराली, योगी तेरा रूप निराला। और देखो मैं बोला जाता है अरे भगवान तेरी लीला नारी। ए आबू राज रखो जिंदगी में ऐसा का ऐसा ताप, बनाते रहे हम ऐसी तरह के ब्लॉक्स, और वो कहते हैं जीते रहे फकीरी मौज। जय हो।